नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली वोकैबुलरी में। मैं विनव और आप देख रहे हैं कन्वर्जन का पार्ट 3। इससे पहले कि कन्वर्जन मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, इससे पहले कन्वर्जन वीडियो में हमने देखा था, सबसे पहले डेसिमल को किस प्रकार हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर सेकंड कन्वर्जन के वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और ये हमारा तीसरा कन्वर्जन वीडियो है, और इसमें हम सीखेंगे किस प्रकार हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं और इसका वाइस वर्सा भी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे किस प्रकार हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का बेसिकली एक ही मेथड होता है, और वो होता है डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड के ज़रिए ही हम किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। पर आप लोगों को फिर से रिकॉल करा था कि डेसिमल के लिए जो बेस होता है वह होता है 10, जबकि ऑक्टल के लिए जो बेस होता है वह होता है 8। तो ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं पहला नंबर एग्जांपल कैसे बनता है। सबसे पहला सवाल हमने लिया है, फॉर एग्जांपल ये 79 हमने लिया है डेसिमल के रूप में, और इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, तो डेसिमल में हमने यहाँ पर नंबर लिया है और इसे हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 79 लिखेंगे, और इसमें हम जैसे हम पहले ही करते आ रहे हैं कि 8 से इसमें हम डिवाइड, 8 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो 79 जो है ये 98 जा, ठीक है, 98 जा 72 एंड द रिमाइंडर दैट इज 7। ठीक है, तो रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये जो 7 आया है यह क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, अब फिर 9 में हम लगाएंगे 8 से, तो 8 1 जा 8 एंड द 1 इज रिमाइंडर द सेम वन, तो 1 यहाँ पर क्या आया, रिमाइंडर के रूप में। अब फिर हम जो इसका ऑक्टल निकालेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो ये जो होगा 117 टू द बेस 8, तो इसका आंसर होगा 117 टू द बेस 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक और यहाँ पर एग्जांपल, यदि इससे आपको क्लियर नहीं हुआ है तो देखते हैं हम एक और इसी से रिलेटेड अगला एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर अगला एग्जांपल सच एज हम कोई एक और नंबर लेते हैं, सच एज हमने लिया 84। ठीक है, और 84 है हमारा डेसिमल और इसे हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, डेसिमल कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो फिर से हम क्या करेंगे, 84 को रखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसा कि देखते हैं कि 8 10 जा 80 एंड द रिमाइंडर दैट इज 4, अगेन इट्स 8 1 जा 8 एंड द रिमाइंडर दैट इज 2, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम इसे लिखेंगे, दैट इज 1 2 4 होल टू द बेस 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 2 8। तो ये हमने पहले सीखा है यहाँ पर डेसिमल से ऑक्टल में, तो इसी तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। और अब देखते हैं इसी का अगला, यानी किसी का वाइस वर्सा, तो वाइस वर्सा क्या होगा, बिल्कुल उल्टा, यानी कि अब हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, तो अब जो हमारा कन्वर्जन होगा वह होगा ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, ऑक्टल को हम क्या करेंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम नंबर लेंगे ऑक्टल का, उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, सच एज कि यहाँ पर हमने कोई एक नंबर लिया ऑक्टल के रूप में, एग्जांपल 1 है, तो यहाँ पर एग्जांपल ए है ना, और यहाँ पर हमने यहाँ पर नंबर लिया सच एज 117 होल टू द बेस 8, और इसे हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर उल्टा जब कन्वर्जन आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इजी ब्रेन आसानी से समझना होगा, समझ करके और तब बनाना होगा। तो सबसे पहला जो नंबर है दैट इज 1, और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के पावर 8 से। ठीक है, ओह सॉरी, इट्स अ लिटिल बिट मिस्टेक, इट्स 1 × 8 का पावर 2। ठीक है, 8 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है ऑक्टल में 8,
और टू इसलिए क्योंकि वन के बाद यहाँ दो डिजिट्स बच रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिया टू। फिर आगे जो हमारा वर्ब होगा दैट इज़ प्लस, फिर अगला नंबर भी हमारा वन है, तो वन मल्टीप्लाई एट टू द पावर, अब क्या होगा तो वन, क्योंकि ये वन हमने ले लिया तो इसके आगे अब केवल एक डिजिट बचता है, तो एट टू द पावर वन। प्लस इसके अगला हमारा वर्ब क्या होगा तो सेवन मल्टीप्लाइड बाई एट टू द पावर ज़ीरो। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर वर्ब क्या होगा, तो वन मल्टीप्लाइड बाई एट का स्क्वायर दैट इज 64, प्लस हियर इट्स 8 का पावर 1 दैट इज 8 एंड इनटू 1 दैट इज 8, प्लस हियर 8 टू द पावर 0 दैट इज 1 एंड 7 इनटू 1 दैट इज 7। सो व्हाट्स द रिजल्ट, आफ्टर ऑल जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो 64 और 8 72 एंड 72 एंड 7 दैट इज 79, तो हमारा आंसर क्या होगा 79 टू द बेस 10। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल को यहाँ पर लेते हैं, इसी से रिलेटेड हमारा आज का अगला एग्जांपल, और इसके अंतर्गत तो सच एज हमने कोई एक और डिजिट लिया सच एज 124। ठीक है, 124 हमने यहाँ पर लिया ऑक्टल में और इसे हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर, तो वन मल्टीप्लाइड बाई क्योंकि ऑक्टल है तो 8 और इसके बाद डिजिट बचता है 2, तो 8 के पावर 2, प्लस फिर हम लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 1, फिर हम लेंगे प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 0। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं 8 का स्क्वायर दैट इज 64, राइट, प्लस 8 इंटू 2 दैट इज 16 एंड प्लस हियर 0 1 तो 414, हियर इट्स 16 420 एंड इट्स 4 एंड हियर 8, सो 84 इज द राइट आंसर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 84 टू द बेस 10। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, आपको हमारे वीडियो और ये हमारे ये कन्वर्जन पसंद आया तो इसे लाइक, इस पर एक लाइक तो निश्चित रूप से बनता है, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद, और हमारे अगले कन्वर्जन का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें हम हेक्साडेसिमल्स का कन्वर्जन्स भी लेकर आएंगे हम अपने अगले कन्वर्जन वीडियो में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आपसे फिर कब मुलाकात होगी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बाय, जय हिंद।